हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ अभी कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, किस कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो और बाकी सभी जो भी जानकारी, कितनी इसमें फीस है आपकी, एज कब से काउंट होगी, कितनी एज मांगी गई है, इसमें सिलेबस क्या है, क्या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं अभी आपको सामने वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जो भी आपके इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता ना कमेंट करके जरूर बताना। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आप सबने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, तो उसी के देखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दूसरी। इसमें सारे आपके डाउट पूरे हो जाएंगे जो भी आपके द्वारा कमेंट में पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो हम बात करें वो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की, वो आई है मिनिस्ट्रियल वाले। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें, इसमें 835 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है इसमें, 835 पद है इसमें टोटल। अब हम बात करते हैं इसकी जो अप्लाई डेट है कि कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके जो फॉर्म चालू हो गए वो 17 मई से चालू हो गए और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जून। इसकी जो लास्ट डेट है 16 जून है। अगर इसमें आपके 17 मई से 16 जून तक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो जाती है आपके फॉर्म में, बाय चांस ऐसा हो जाता है ना जल्दी में कोई गलती हो गई, तो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसकी भी एक अलग से डेट दे दी गई है इसमें एसएससी की ओर से। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो फीस है वो कितनी ली जाएगी आपसे। देखिए अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो है 100 रुपये। कितनी आपकी फीस, 100 रुपये है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं है। अगर आप जनरल ओबीसी और एससी से हो तो आपकी 100 रुपये फीस है, एससी एसटी से आपकी कोई भी फीस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो एज की, सबसे बड़ी जो मेरे पास पिछली भी जो वीडियो बनाई मैंने दिल्ली पुलिस वाली, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा गया वो एज के बारे में पूछा गया। तो देखिए अगर इसकी जो नॉर्मल एज है ना वो है 18 से 25, यानी कि जनरल की जी और जनरल की जो एज है वो है 18 से 25, यानी कि आप 18 से कम के नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन की, तो यानी कि आपको जो एज में जो छूट मिलेगी, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी इस कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप जनरल से हो तो कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 25 से ज़्यादा नहीं हो आप। एससी एसटी में 5 साल छूट और ओबीसी में 3 साल की छूट है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए इसको बनने के लिए। तो मुझ पर मेरे लिए ये भी कमेंट आए कई लोगों के, क्या हम 10th से भर सकते हैं, क्या इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। तो आपको बता रहा हूँ इसमें जो आपकी योग्यता चाहिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, वो आपको सिर्फ 12th चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ 12th चाहिए। और उसके साथ साथ आप पर टाइपिंग आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपकी टाइपिंग है जो कब ली जाएगी, इसमें ऐसी कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है कि आपसे टाइपिंग पहले ली जाएगी या कोई इतना बड़ा सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, वो आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद मैं अभी बताऊँगा। अब की जो एग्जाम की जो डेट दी गई है अभी फ़िलहाल, वो दी गई है सितंबर, यानी कि आपकी जो सितंबर में आपकी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उस सितंबर में इसकी डेट है, यानी कि सितंबर 2022 में इसका एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले CVT होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो पेपर होगा आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा ऑनलाइन। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में कोई आपके नंबर नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग फिजिकल होगा। उसके फिजिकल अगर आप पास कर लेते हो उसमें कोई नंबर नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप का आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट आपके 25 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग मार्क नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका 25 नंबर का होगा। और आपके जो अगला टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एक सीट दे दी जाएगी, जैसे कि वर्ड में दे दी या पावर पॉइंट में दे दी या एक्सेल में, ऐसे करके कुछ बिल्कुल बेसिक नॉर्मली आप कोई दिक्कत नहीं आराम से कर लोगे। उसमें आपको उसमें भी क्वालिफाइंग है, उसमें भी कोई आपका नंबर नहीं है। अगर हम हाइट की बात करें तो जो आपकी मेल की जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और आपकी जो फीमेल की जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर।
अब हम बात करते हैं टाइपिंग की, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे लड़के टाइपिंग का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। देखिए आपको टाइपिंग, मैंने ये जो हम बताइए ना कि ट्वेल्थ के साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो ट्वेल्थ के साथ आपको कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ये जो CBT है ना, इसको अगर आप पास कर लोगे, जब इसकी जो मेरिट बनेगी उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या सिस्टम है कि अगर आपको टाइपिंग करवाएंगे वो, यानी कि 30 WPM जो लिखा हुआ है ना, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आप इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 शब्द लिखने हैं आपको एक मिनट में इंग्लिश के। किसके लिखने? इंग्लिश के। अगर आप, और इसमें चॉइस रहेगी, अगर आप इंग्लिश की करना चाहें तो इंग्लिश की, हिंदी करना चाहें, अगर आप हिंदी की करते हैं, इंग्लिश की नहीं करते हैं, तो हिंदी में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 25 शब्द आपके हिंदी के टाइप होने चाहिए इस हिसाब से। और ये एक एवरेज टाइम दे देते हैं, जहाँ 10 मिनट भी दे सकते हैं वो, 15 मिनट भी दे सकते हैं आप। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, और ये कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं। आप 1.5 से 2 महीने आप डेली कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से हो जाएगी, इस कोई बड़ी बात नहीं। टाइपिंग क्या आपका ना कोई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा फॉर्म भरते टाइम, ना कुछ भी, बस आप जब क्वालिफाई कर लोगे अपना फिजिकल और जो आपका जो पेपर होगा उसको, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। अब जो बात करते हैं सबसे बड़ी बात आपकी कि सिलेबस क्या है इसमें। देखिए इसमें जो आपका सिलेबस है वो आपका ये, एक तो GA के जो आपके आएंगे 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के। तो यानी कि 20, 20, 40, 25, 25, 50, और ये 10, यानी कि कितने हो गए आपके, ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। हाइट आपकी मैंने बता दी 1.65 male की और 1.57 आपकी फीमेल की। इस तरीके से आपका टाइपिंग इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग को ध्यान से देख लेना, टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट की, हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की। अब अगर आप हिंदी की जानते हो तो हिंदी की करना, अगर आप इंग्लिश की जानते हो तो इंग्लिश की करना। तो इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इस तरीके से। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है इसका, तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में साइड बिजी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है, इसमें फॉर्म भरिए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और आपके पास एक सुनहरा मौका है, अपना पद अपने मजबूती से पा लीजिए। 835 इसमें टोटल पद है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, मिनिस्ट्रियल की है, एज मैंने आपको बताई थी। अगर आप जनरल के हैं तो 18 से 25, और SC ST से 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। तो दोस्तों मुझे यही सारी जानकारी देनी थी आज आप सबके लिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया ना तो कमेंट में जरूर करके बताएं। मैं अगर कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, फ्री रहता हूँ मैं, या आप ड्यूटी पे हूँ मैं, या भले ही घर हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है तुरंत अब रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी कोई ऐसी समस्या है कि बार बार सभी उसमें एक ही समस्या आपके ऊपर सब ज़्यादा कमेंट कर रहा है, तो फिर मुझे महसूस होता है कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और उसके साथ साथ आप बेल बटन भी दबाएं, जिससे जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।